नमस्कार कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है बहुत ही सारी परियोजनाओं में से एक महत्वपूर्ण परियोजना शिवा परियोजना जी हाँ शिवा परियोजना पर अधिक जानकारी के साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर जी जो कि शिवा परियोजना में परियोजना निदेशक के पद पर आसीन हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद जी सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि शिवा परियोजना ये तो एक शॉर्ट फॉर्म में नाम लिया मैंने तो इसकी फुल फॉर्म भी आप बताइए और क्या है ये परियोजना किन उद्देश्यों के लेकर ये हमारे प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है आ, हमारे प्रदेश में उपोषण कटिबंधी या जलवायु युक्त क्षेत्रों के संभाव में बागवानी की संभावनाओं को जी मध्य रखते मद्देनजर रखते हुए और उनका दहन करने के लिए तथा तो बागवानी के समग्र विकास हेतु एच पी परियोजना की संकल्पना प्रदेश में की गई है यह इस योजना का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधिया बागवानी सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन योजना परियोजना एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है जी। प्रदेश में एच पी परियोजना को दो विभाग मिलकर संचालित कर रहे हैं जी। उद्यान विभाग तथा तो जल शक्ति विभाग उद्यान विभाग इसका नोडल एजेंसी है तथा तो जल शक्ति विभाग इसकी इंप्लीमेंटिंग है जी जहाँ तक परियोजना की बात है परियोजना एक बीज से बाजार कंसेप्ट के ऊपर आधारित है जी और इसमें पूरा वैज्ञानिक तरीके से व्यावसायिक तरीके से तथा तो साथ ही साथ क्लस्टर अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए इस योजना को कार्यान्वित कर, किया जा रहा जी। है योजना की मुख्यतः तीन आउटपुट है जी। पहली आउटपुट है हैसियोड इरिगेशन के लिए इरिगेशन सोर्सेज डेवलप करना जी। दूसरा हाई डेंसिटी प्लांटेशन करना तीसरा जो, जो मार्केट है उसको फर्दर मार्केट के साथ कैसे लिंकेज Link करना ये तीन इसकी मुख्यता है आउटपुट है जी। जहां तक परियोजना की उद्देश्य की बात है तो परियोजना मुख्यतः पिछले कई वर्षों से हमारे किसान बागवान जो या तो खेती को विभिन्न कारणों की वजह से छोड़ चुके थे या उन्होंने बिल्कुल खेतीबाड़ी करना बंद कर दिया था जी उनके लिए एक प्रोडक्टिव अल्टरनेटिव बागवानी के तौर पे देते हुए इस योजना को हमने इस इस, इस, इस योजना का उद्देश्य है ताकि किसानों बागवानों को दोबारा से खेती के साथ जोड़ा जोड़ा जा सके जी। और एक प्रोडक्टिव खेती के साथ जोड़ा जा सके जी। ताकि हमारे जो किसान हैं जो गांव में जिनके पास आय के कोई साधन नहीं है उनकी आय में वृद्धि हो सके उनको एक निरंतर सतत तरीके से उनकी अजीब का उनको मिले रेगुलर तौर जी। तीसरा एक और समस्या हमारे रही है कि जब खेतीबाड़ी लोगों ने छोड़ी थी तो हमारे जो यूथ है उनका पलायन शहरों की तरफ हुआ था जी, जी, तो उसमें एक बड़ा इसका जो रोल रहेगा इस एच पी सेवा योजना का वो उस पलायन को रोकने, रोकने का भी जी, उनका एक रोल इसमें रहता है जी, आ, जहाँ तक परियोजना में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं जी। तो हिमाचल प्रदेश में पहले जो प्रथम चरण का जो योजना है इसमें हम हमने सात जिलों के विकास खंडों को सम्मिलित किया है जी, जी, जी। जिसमें जिलों में यदि मैं नाम लूँ तो सोलन सिरमौर सोलन हमीरपुर बिलासपुर कांगड़ा आ, उन्ना एंड मंडी सात जिले इसमें सम्मिलित हैं सात जिलों के अठाईस विकासखंड हैं विकास खंडों में भी आगे है जो सब जो ट्रॉपिकल एरिया कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है उसको हमने इसमें सम्मिलित किया है जैसे सिरमौर के दो जिले दो विकास खंड इसमें सम्मिलित हैं सोलन के भी दो विकास खंड इसमें सम्मिलित हैं उन्ना का एक है बिलासपुर हमीरपुर पूरा जिला इसमें सम्मिलित किया गया है मंडी और कांगड़ा के छह विकास खंड इसमें सम्मिलित किए गए कुल मिला के विकास खंडों में ये योजना जो है लागू की जा रही है जी तो क्या देख पा रहे हैं आप कि जो आपने कहा कि यूथ जो पलायन कर रहा था तो कुछ इस परियोजना के होने से उनमें थमा है कुछ आप दे, देख बिल्कुल मैडम अभी तो ये इनिशियल स्टेज पे है अभी हमने पहले इसका एक पायलट किया है पिछले दो वर्षों में हमने इसका प्रदेश में पायलट किया जिसमें लगभग 400 हेक्टेयर एरिया जी। में हमने इस हाई डेंसिटी प्लांटेशन की है उसके अभी जो रिजल्ट हैं उसकी जो फ्रूटिंग है इस साल हमारे पास एक सैंपल फ्रूट आने वाला है लगभग 500 सौ मीट्रिक टन के लगभग पहली बार हमारे पास इस योजना से जो हमने पायलट एक किया था उसके अंतर्गत एक फ्रूट आने वाला है बहुत सारे लोगों ने कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो जॉब में थे गैर सरकारी सेक्टर में जॉब में थे वो सारे लोग घरों में आ गए थे तो जब वो घरों में आए तो उनको हमने एक अल्टरनेट के तौर पर इसको प्रोजेक्ट को उनके सामने जी। कि आप 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 आके यदि ये करते हैं तो आप एक, बीगे से एक लाक, लाक भी लाख लाख तक इनकम घर बैठे पैदा कर सकते हैं और आप एक का बिल्कुल, बिल्कुल। भी काम उसमें कर सकते हैं। स्वरोजगार के साथ आप दे भी रहे इस परियोजना के अंतर्गत जो क्लस्टर बनाने की बात आती है वो किस तरह से बनाया जाता है और उसके बाद क्या कुछ गतिविधियाँ रहती हैं और हमारे किसान बागवान भाई बहन अगर आवेदन करना चाहे तो क्या प्रक्रिया रहती है बिल्कुल जैसे आपने कहा कि क्लस्टर का है हमारे हमने जो पिछले दो वर्षों में एक पायलट किया था उस पायलट में हमने एक सी एच पी एम में मैनुअल सी एच पी एम में का मतलब हमारी एक जो कम्युनिटी है जो क्लस्टर बनता है उसी एक कम्युनिटी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग एसोसिएशन सी एच पी एम ए के फुल फार्म सी एच पी एम में लेवल पे जो क्लस्टर हमने बनाया उसी के लिए हमने एक मैनुअल तैयार किया है वो मैनुअल इस प्रोजेक्ट में आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा क्लस्टर क्राइटेरिया से लेके क्लस्टर की पूरी सिलेक्शन करने तक का जो क्राइटेरिया उसमें पूरा दिया गया है तो मेरी सभी बागवान बागवान किसान बाग़ान साथियों से अनुरोध है कि एचपी सेवा पोर्टल है उस पे वो एच, थे है थे थे में मैनुअल पड़ा है उसको डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं परंतु इसके साथ साथ यदि मैं बताऊँ तो क्लस्टर सिलेक्शन करने के लिए हमें बहुत सारी स्टेप्स इसमें करने पड़ते हैं सबसे पहले हमने किसानों को सेंसिटाइज करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं प्रोजेक्ट से आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं सारी चीजें हमारे जो उद्यान विकास अधिकारी हमारे जो पूरे विभाग के जो इतने भी अधिकारी हैं प्लस जल शक्ति विभाग के अधिकारी जो हैं दोनों मिलकर किसानों के पास उनको सेंसिटाइजेशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम उनके साथ सबसे पहले शुरू करते हैं उनको अवेयर कराते हैं प्रोग्राम क्या है और अवेयरनेस के साथ साथ उनकी बिलिंगनेस कि क्या वो लोग इकट्ठे सामूहिक तौर पर खेती करने के लिए तैयार है वो रहती है तीसरा क्योंकि ये जो हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन उच्च घनत्व की प्लांटेशन की बात करते हैं डेंसिटी की इसके लिए अस्योड इरिगेशन बहुत जरूरी है और जब तक अस्योड इरिगेशन नहीं होती तब तक आप इस तरह की खेती नहीं कर सकते जी। जैसे आप आप समझ लीजिए कि आजकल जैसे हम टमाटर की खेती करते हैं छे, छे महीने की क्रॉप तीन चार से लेकर छह महीने तक की क्रॉप लेते हैं वैसे इसमें भी अभी आजकल लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल लगाया नेक्स्ट ईयर हमें सैंपल मिले जी। तो जब तक एसियोड डिरीगेशन नहीं होगी प्रॉपर फर्टिगेशन नहीं होगी उसमें फर्टी, प्रॉपर फर्टिलाइजर खा दें हम उसमें नहीं मिले तो उस तरीके से नहीं आती तो हम ये देखते हैं कि क्या उस क्षेत्र में जहाँ वो क्लस्टर बनाना चाहते हैं वहां पर कोई पेरीनल सोर्स है जिससे कि पानी उपलब्ध हो सकता है रेगुलरली क्योंकि हम ये बगीचा जो लगा रहे हैं क्योंकि क्लस्टर में जो प्लांटेशन कर रहे हैं इसकी लाइफ 25 से 30 वर्ष रहती है तो हमें इसमें रेगुलर पानी चाहिए हर रोज पानी चाहिए आपको किसी दिन खाद देनी है किसी दिन आपको पानी देना है किसी दिन आपको स्प्रे करनी है और सारी चीजों के लिए आपके पास एक अश्योर्ड इरीगेशन मतलब पेरिनियल सोर्स होना बहुत जरूरी है उसको हम देखते हैं फार्मर का बिलिंगनेस उसके बाद उसका दूसरी चीज हम देखते हैं कि वहां पर अश्योर्ड इरीगेशन है तीसरा हम देखते हैं कि उसके पास उतनी जमीन उपलब्ध है कि नहीं क्योंकि इसमें जो क्लस्टर है मिनिमम इसकी

जमीन में क्या वो ऐसा तो नहीं है कहीं वो बिल्कुल जैसे होता है ना रॉकी लैंड है तो उसमें कुछ हो नहीं सकता नहीं हो सकता है उस तरह की तो हमें इसमें जो प्रोडक्टिव लैंड है उसको हम यूज करें क्योंकि हम इसमें हाई डेंसिटी की बात करते हैं हम, हम एक हेक्टेयर में ग्यारह से लेके सोलह सो तक पौधों की बात करते हैं मतलब लगभग सौ पौधा हम एक बीघा में बात करते हैं तो उसके लिए आपको जब इतने हाई डेंसिटी में आप प्लांटेशन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें इरीगेशन वहाँ की अच्छा अच्छा आपकी जमीन का होना ये सारी चीजें

किसान बागवान पैसा कमा सकते हैं उसको उसको हाँ के तौर पे उसको अपना सकते हैं और जिनकी जानकारी हमारी पीढ़ियों से सदी पीढ़ियों से चली आ रही है ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि यदि हम इसमें कोई नई क्रॉप एकदम कर लें और दस सेक्टर में लगा दें कल को उसके मार्केट की समस्या आएगी तो वो सारी चीजें हमें इसमें प्रॉब्लम रहेगी हमने इसमें संतरा संतरा की खेती है अमरूद है और संतरा की सात आठ किस्में हम इसमें कर रहे हैं संतरा के अलावा अमरूद की तीन चार किस्में हम इसमें लगा रहे हैं अनार हम इसमें कर रहे हैं लीची की खेती हम इसमें कर रहे हैं आ, मैं आम की जो लेट पकने वाली किस्में हैं उनको भी हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं पलम है पर्सीमन की है जैसे कुछ थोड़ा सा जो लोअर हिल से थोड़ा मिड हिल की तरफ लोग जाते हैं वहाँ पे हम पर्सीमन और पलम की खेती को इनक्रेज कर रहे हैं और साथ ही साथ है हमारे पास एक और बहुत एनकरेजिंग फसल है पिकन नट पिकन नट को भी इसमें है। तो हम इसमें सम्मिलित कुल मिला हम इसमें आठ फसलों पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इसमें जो हमारे पास नई फसलें हैं जी। जैसे हम आवोकाडो की बात करते हैं ब्लूबेरी की बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की बात करते हैं या हम कई बार मैकेडेमी नट की भी बात हो रही है तो उन सारी जो फसलें हैं उनको हम धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करेंगे बाहर की कंट्री से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने पीस फार्म पे लगा के वहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो आने वाले समय में हम इन सारी फसलों को भी कमर्शियल एंगल की तरफ ले जाना चाहते हैं जी सर एवोकाडो की आपने बात की बहुत ही महंगा फल अभी है मिलने लगा है यहाँ भी तो मुझे भी खुशी हुई कि यहां भी उगाया जाएगा उगाया जा भी रहा होगा तो... बिल्कुल तो अभी बहुत थोड़े उसमें है पर हम इसको धीरे धीरे इसकी इसके लेकर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हमारी यूनिवर्सिटी से हम इसमें डेवलप करेंगे जी। और फिर उसके बाद इसको हम कमर्शियल लैंग्वेज की तरफ ले जाएं ताकि हमारे पास मार्केट भी रहे और हमें बेचने में भी इसमें आसानी रहे ना है। जी जी अगर वैज्ञानिक ढंग से हम बात करते हैं कृषि की तो किस तरह के तरीके किस तरह की रणनीति यस यदि आप एच पी सिवा परियोजना की बात करें तो एच पी सिवा परियोजना को कंसीव करने के बाद हमने इसमें सबसे पहले जी कि हमारा जो सब ट्रॉपिकल एरिया है उसमें उसका बेस लाइन ही सर्वे

बढ़ा सकते हैं उसकी सारी हमने इसमें स्टडी कराई साथ में जो नर्सरी डेवलपमेंट का प्लान था उसको हमने इसमें बनाया है जी। और क्योंकि आठ फल हमने पहले फेज में आठ फलों को सम्मिलित किया तो इसके लिए एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डॉक्टर भाई परमार यूनिवर्सिटी की टीम को हमने एक पूरी टीम इसमें एक्सक्ली डेडिकेटेड टीम को एक काम दिया था जी, कि जी, वो इसके लिए एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करें ताकि हमारे किसान बागवान के पास वो प्रैक्ज ऑफ प्रैक्टिस उपलब्ध हो तो जो भी कार्य इसमें करने वाले हैं बगीचों में रख के कार्य हैं मेन्टेन करने के कार्य हैं कोई बीमारी लगती है उसके उपचार के लिए जो काम वो सारे उसमें पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में सम्मिलित वो सारी चीजें हमने तैयार कर दी है ये सारा लिटरेचर ये सारी रिपोर्ट्स बनने के बाद जी ही जी हमने इसको आगे इस एचपीसीओ परियोजना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है जी हमारे किसान बागवान भाई बहन अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं सीधे तो क्या कोई नंबर उपलब्ध है यस मैम हमारे तो उद्यान विभाग पूरा इसी काम के लिए कर रहा है हमारे हमारे प्रदेश में विभिन्न जिलों के उपनिदेशक उद्यान उनके साथ विषय विशेषज्ञ उद्यान हमारे उद्यान विकास अधिकारी और पंचायत स्तर पर हमारे उद्यान प्रसार अधिकारी ये सारे लोग सा, रहते हैं तो हमारे किसान भाई जिसको भी एच पी परियोजना से संबंधित कोई भी जानकारी कभी चाहिए तो उनसे संपर्क कर सकते हैं मैं भी सीधा मुझसे भी सीधा संपर्क कर सकते हैं मेरा नंबर नोट कर सकते हैं सेवन जीरो वन एट सिक्स वन डबल फाइव सिक्स नाइन ये मेरा पर्सनल नंबर है तो मुझे भी इस पर्सनल नंबर पे कभी भी यदि किसी को इसमें एच पी सेवा योजना से जुड़ना है या इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है सीधे मुझसे बात कर सकते हैं तीसरा इसके लिए और भी बढ़िया इसकी जानकारी के लिए जो जैसे मैंने आपको कहा कि एच पी का हमारा वेब पोर्टल बना है एच पी सेवा के नाम से आप एंटर करेंगे आपको सारी जानकारी मिलेगी जी। किस जिले में क्या काम हो रहा है कितने क्लस्टर्स बने हैं और सारी जो भी परियोजना की ए टू जेड जानकारी उसमें हम अपलोड की है हम किस तरीके से काम कर रहे हैं कौन कौन से पैकेज के ऊपर काम कर रहे हैं और क्या क्या काम होने सारी उसमें डिटेल है पूरी प्रिक्योरमेंट प्लान जो हमारी एचपी सिवा योजना में अगले पांच वर्षों में होने वाली है वो सारी उसमें तो किसान बागवान भाई आसानी से वहाँ से जानकारी ले सकते हैं हमें ऑनलाइन मेल के माध्यम हम से हमें टेलीफोन के माध्यम से कभी संपर्क कर सकते हैं भगवान भाई बहन जो कि अभी सर का नंबर नहीं नोट कर पाए हैं तो एक बार हम फिर दोहराएंगे दो मिनट के बाद हम फिर दोहराएंगे ये नंबर तो आप तब तक अपनी पेन पेंसिल लेके आ जाइए तो सर अगर लक्ष्य की हम बात करते हैं इस परियोजना का लक्ष्य तो क्या निर्धारित किया गया है? यह परियोजना पांच वर्ष के पीरियड में कंप्लीट होगी आप यह रख ली जुलाई 2023 से लेके जून दो हजार, दो हजार तक इसका टाइम पीरियड है जी। और इसमें जो लक्ष्य है हमारा 6000 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाई डेंसिटी प्लांटेशन करना है और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की और उसको हम एक इरिगेशन स्कीम से स्कीम्स के माध्यम से कर रहे हैं टोटल हम इसको 6000 हजार हेक्टेयर का क्षेत्र करने के लिए असियोडी इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए एक इरिगेशन स्कीम्स हम डेवलप करेंगे अलग अलग जिलों में जी। और उसके लिए उसके अलावा इसको 400 क्लस्टर्स हम इसके क्लस्टर बना रहे हैं जैसे छोटा दस हेक्टेयर का पंद्रह हेक्टेयर का जितना भी एरिया अवेलेबल है उस तरह से हम इसको क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं तो अभी तक हमने दो सौ क्लस्टर चार हजार हेक्टेयर के लिए पूरे कर लिए हैं जिसके लिए कि इम्प्लीमेंटेशन का कार्य शुरू हो चुका है रिमेनिंग जो दो हज़ार हेक्टेयर क्षेत्रफल है उसको वो आइडेंटिफिकेशन स्टेज में चल रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो कुल मिला हम इसमें चार क्लस्टर्स बनाएंगे और उन क्लस्टर्स को भी फर्दर हम एक कोपरेटिव सोसाइटी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर कर रहे हैं जैसे लगभग पांच से छह क्लस्टर ग्रुप ऑफ़ फाइव टू सिक्स क्लस्टर का जो ग्रुप है उसकी एक एफ बना रहे हैं और उस एफ को जो कलेक्टिव कलेक्टिव प्रोडक्शन से लेकर कलेक्टिव मार्केटिंग का जो सारा कार्य है उन एफ के माध्यम से हम कर रहे हैं जी। फार्मर की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं ताकि वो सारे लोग की कट्ठे मिलके कैसे खेती कर सकते हैं और कट्ठे मिलके कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं उस सारी चीजों को हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं सर क्लस्टर की बात आ रही है बार बार तो कितने कम से कम और कितने ज्यादा से ज्यादा किसान भाई बहन एक क्लस्टर में रहते हैं मिनिमम एक क्लस्टर क्लस्टर में क्वालिफाई करने के मिनिमम दस परिवार होने चाहिए और जैसे मैंने आपको कहा कि दस हेक्टेयर क्षेत्रफल इसमें रहे और ज्यादातर हम इसमें स्माल और मार्जिनल फार्मर मोर देन अस्सी परसेंट से ज्यादा हम स्माल और मार्जिनल फार्मर को इसको जोड़ रहे हैं बीस बड़े किसानों को भी हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं जी जी सर प्रथम चरण की अगर हम बात करते हैं किसान बागवान भाई बहनों को तो कितनी राशि का प्रावधान हमने 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 जैसे मैंने आपको बता रहा था कि हमने एक पायलट किया जिसमें हमने चार जिलों के विकास खंडों में सत्रह क्लस्टर्स डेवलप किए और हर एक क्लस्टर लगभग दस से बारह हेक्टेयर दस से पंद्रह हेक्टेयर के बीच में रहा और हमने उसमें दो सौ हेक्टेयर एरिया जो है ना सम्मिलित किया था और उसके साथ ही जो एशियन विकास बैंक था उसने हमें कहा था कि 50 परसेंट पैसा पायलट के लिए क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है प्रदेश में कैपेसिटी डेवलप करके हाई डेंसिटी प्लांटेशन के आउटसेट डेवलप करिए और उसके अलावा हमने मेन प्रोजेक्ट की भी तैयारी की तो लगभग हमने पचहत्तर करोड़ रुपया तो पीआरएफ में खर्च कर दिया जो पिछले ढाई तीन साल से हमने इसमें प्रदेश में लगाया और जिसकी मैं आपको कह रहा था कि इस बार हमारे पास पहली बार पैदावार भी हमारे पास हमें मिल रहे प्रोड्यूस मिल रहा है जिसको हम मार्केटिंग के साथ आगे जोड़ रहे हैं दूसरा जो मुख्य परियोजना है उसका उसकी जो धनराशि की बात आप कर रहे हैं तो बारह करोड़ की परियोजना है और बारह सौ बानवे करोड़ में एशियन विकास बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है एक हजार तीस करोड़ का रहेगा प्रदेश सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है दो सौ बासठ करोड़ का रहेगा और आ, इ, इसका जो है इस सारी योजना के जैसे मैंने कहा चार हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए हम जो इरिगेशन की एक सौ स्कीमें बनी है उसका सारे टेंडर फाइनल करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है सारे जितने भी कंट्रैक्टर्स हैं वो इन स्कीमों की डेवलपमेंट के लिए फील्ड में मूव कर चुके हैं जी। और साथ ही जैसे फेंसिंग की बात कर रहे हैं हम हमारे पास इसमें फेंसिंग भी है मैं आपको कंपोनेंट बीच में हमने मिस किया इसलिए जो मुख्यतः जो कंपोनेंट है जैसे इरीगेशन से सोर्सेज डेवलप करने के अलावा हम पूरे जो क्लस्टर एरिया उसको फेंस करते हैं जी और फेंसिंग में हम इसमें कंपोजिट फेंस यूज कर रहे हैं साढ़े तीन फीट तक इसमें इंटरलिंक चेन रहती है और उसके ऊपर उसमें सोलर लाइन रहती है ताकि जो नीचे से जो आवारा पशु हैं जंगली जानवर हैं आवारा पशु हैं उनके लिए एक फिजिकल बैरियर भी रहे और ऊपर जो मंकीज जो क्लाइम करके दूसरी तरफ को जाते हैं उनके लिए सोलर का करंट भी रहे okay. तो कंपोजिट फेंसिंग कर रहे हैं उसके बाद वैज्ञानिक तरीके से इसमें फील्ड प्रिपेयर करते हैं ऐसा नहीं है सिंपल कि हम गए और प्लांटेशन जैसे हम पिछले कई वर्षों से सिंपल प्ला ऐसा नहीं है ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से है इस में आप रेज्ड बेड एक फीट का रेज़ बेड तैयार करके उसके ऊपर दो बाई दो फीट का गड्ढा करके उसमें हम इसमें प्लांटेशन करते हैं जी उस तरीके से इसमें प्लांटेशन रहती है जी तो अभी आपका प्रश्न था कि क्या पूछ रहे थे आप कि हाँ. जी मैं पूछ रही थी सर कि फिलहाल तो मेरा दूसरा भी प्रश्न आ गया है, थीक है थीक हाँ जी पहले मैं उसको ले लेती हूँ पहले तो आप सर कंटैक्ट नंबर अपना एक बार फिर दोहरा दीजिए मेरा कंटेक्ट नंबर मैं दोबारा से बताऊँ जी सभी किसान भाई नोट कर लें बहुत सारे लोगों के पास नंबर है मेरा पर फिर भी सेवन जीरो जी ये मेरा नंबर है जी प्रश्न था कि धनराशि का प्रथम चरण में हाँ जी तो धनराशि जैसे मैं बताया कि ये पाँच साल में होगा और लगभग इस साल हम मार्च तक 120 करोड़ के लगभग हमारा खर्चा करने का इसमें हमने प्लान किया है अगले दो वर्षों में हम इसमें 4000 हजार हेक्टेर एरिया में प्लांटेशन का कार्य पूरा कर लेंगे और जो रिमेनिंग है उसको अगले पांचवा वर्ष में चौथे और पांचवें वर्ष में थर्ड और फोर्थ ईयर में हम उसको कम्प्लीट जी, जी।, जी।, जी सर अगर हम संगठित फल बाजार की बात करते हैं ये बहुत बड़ी समस्या है तो इसके लिए क्या बिल्कुल बिल्कुल हम ये मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मार्केटिंग के बारे में रहे हैं और क्योंकि आजकल किसी भी चीज को चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाहे हॉटिकल्चर प्रोड्यूस प्रोडक्शन करना आसान है परंतु उसको मार्केट में कैसे हो जाए उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है हैं हमने इस परियोजना में एक पूरा एक आउटपुट जिसको हम मार्केट एसेस से रिलेटेड एक आउट कंपोनेंट रखा है जी। जिसमें हम पूरा मार्केट पे पूरा फोकस रहेगा और मार्केट को करने के लिए हम इसके जो जितने भी किसान हैं उनको एक संगठित करके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उनको संगठित करेंगे उनका एक कलेक्शन सेंटर हम बनाएंगे जिसमें कलेक्शन सेंटर में सारा प्रोड्यूस आएगा तो मार्केट प्लेयर जितने भी मार्केट प्लेयर है ताकि वो फार्म पे फार्म पे आए ताकि हमारा फार्मर प्रोड्यूस बेचने जाए हम इसमें फार्मर की जो जितने भी किसान भाई इसमें जुड़े हैं प्रोजेक्ट में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं जी। ताकि उनको मार्केटिंग की जानकारी हो सही जानकारी हो साथ ही हम बायर सेलर मीट्स के माध्यम से जितने भी मार्केट के प्लेयर हैं बिग मार्केट प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक मार्केट प्लेयर्स हैं प्रोसेसर्स हैं प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं उन सबको इकट्ठा करके हम किसानों के साथ उनकी इंटरेक्शन कर रहे हैं कि बायर की क्या रिक्वायरमेंट है सेलर की क्या रिक्वायरमेंट है ताकि दोनों को एक क्लियर सा पता हो जी। और प्रोक्योरमेंट की मेथडोलॉजी क्या है जो कंपनी है जैसे बड़ी कंपनीज है अभी भी मैं पीछे दिल्ली थे हम तो आ, हमारे निदेशक महोदय और हमने एक दिल्ली के जितने भी लोग जी, थे सबके साथ मीटिंग की और हमें उसमें बहुत एक सफलता मिली इस तरीके से हम मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हम सारे जिला करके इसको सारे मार्केटिंग की समस्या को दूर करेंगे और किसानों को ऑनलाइन और ऑन फार्म दोनों तरह की मार्केटिंग के साथ जुड़ें जी तो बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दे रहे थे डॉक्टर साहब पर समय की अपनी एक अवधि होती है किसान भाइयों बहनों आज के हमारे इस बागवानी के कार्यक्रम में बस इतना ही फिर हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करेंगे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार नमस्कार